दोस्तों आप लोग जानते हो कि फौजी गेम 26 जनवरी पे लॉन्च हो गया है इंडिया पे, और मेड इन इंडिया गेम है फौजी गेम। दोस्तों पबजी बंद होने के बाद ही इसका जो लॉन्चेस प्रक्रिया यानी कि तैयारी की प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। एंड फौजी गेम जो है दोस्तों आपको खेलने पे यानी कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो गया है, एंड आप जाकर अब इसको इंस्टॉल एंड खेल सकती हो। लेकिन आज आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा फौजी गेम के बारे में, यानी कि जितना पॉपुलरिटी यूट्यूब पर पबजी एंड फ्री फायर को मिला था, इतना पॉपुलरिटी क्या जो फौजी गेम है हमारा इसके अंदर भी इतना पॉपुलरिटी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। एंड दोस्तों इसका गेम प्ले भी आपको दिखाऊंगा, कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है। एंड दोस्तों ये भी आपको बताऊंगा कि आप फ्री फायर एंड पबजी की तरह आप यूट्यूब पर भी इसका करियर कर सकते हो, फौजी गेम के लेकर करियर कर सकते हो। यानी कि आप फौजी गेम के लेकर अब यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करोगे तो कैसा चलेगा, कैसा पॉपुलरिटी आपको मिलेगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को जो लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है आपके लिए। आप गेमिंग पसंद है, आपको गेमिंग पसंद है, आप गेमिंग पसंद करती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकते हैं फौजी गेम के लेकर आप यूट्यूब पर आती हो तो आपको पॉपुलरिटी फ्री फायर पबजी से ज़्यादा आपको पॉपुलरिटी मिले। तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड मेरा चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड देखिए, पहले बात तो फ्री फायर एंड पबजी जब न्यू आया था इंडिया पे, तब ऐसा ही कुछ हाल था उसका भी। एंड हो सकता है, दोस्तों देखिए फौजी गेम भी न्यू है, 26 जनवरी पे लॉन्च हो गई है। गान पकड़ तो अभी देखने को नहीं, फ्री फायर के अंदर आपको देखने को मिलता है मेडिकेट एंड पबजी के अंदर जो मिलता है ब्रांडेज, लेकिन आपको इधर हेल्थ बढ़ाने के लिए आपको आग के पास बैठना पड़ेगा एंड तभी आपका हेल्थ ग्रोथ होगा यानी कि बढ़ जाएगा, बूस्ट होगा। तो आप देख सकते हो ऐसे बहुत, आप धीरे धीरे इसको खेलते आप प्रो बन जाओगे, लेकिन न्यू थोड़ा दिक्कत होगी गेमिंग करने गेम प्ले करने की। एंड गेम प्ले आप जब पुराना हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से खेलने में आ जाएगा। एंड दोस्तों खास बात यही कि आप यूट्यूब पर इसका गेम प्ले दिखा सकते हो, गेम प्ले के दौरान आप चैनल क्रिएट कर सकते हो, आपको भी पॉपुलरिटी देखने को मिलेगा यानी कि पॉपुलरिटी मिलेगा। लेकिन जो न्यू है यानी कि न्यू तो आपको इतना पॉपुलरिटी देखने को नहीं मिलेगा, जब आप अच्छे से खेल पाओगे तब तो आपको पॉपुलरिटी ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का गेम है बॉस, इंडिया का गेम होने के नाते तो आपको पॉपुलरिटी मिलना अवश्य है। एंड क्योंकि इंडियन फौजी के लेकर ही इस गेम को तैयारी किया गया है, एंड इसमें आपको देखने को मिलेगा इंडिया की जो फौजी की जो कैरेक्टर है, फौजी कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको रोनाल्डो बगरा या अलोक बगरा तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन खास बात यही कि अक्षय कुमार ही इस गेम को लॉन्च किया है। एंड इसके अंदर आपको कैरेक्टर जो है देखने को मिलेगा इंडियन जो भी फोर्स एंड आर्मी बीएसएफ ऐसा जो भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलता है इसके अंदर, फौजी गेम के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो मेरा ओपिनियन यही है कि इस गेम तो बहुत ही अच्छी गेम है, गेम प्ले भी अच्छी है, लेकिन फिर जो फ्री फायर एंड पबजी है इसके अंदर भी तो थोड़ा टाइम लगाया है कि अपडेट देने में। एंड फौजी गेम पे जब अपडेट अच्छे अपडेट मिलेगा तो तब तो आपको अच्छे ही देखने को मिलेगा, गेम प्ले भी अच्छे देखने को मिलेगा। गेमिंग के अंदर जो इंटरेस्ट है दोस्तों अपडेट मिलने के बाद ही आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा फौजी गेम के अंदर। एंड न्यू जो पबजी एंड फ्री फायर आया था तो अब इतना इंटरेस्ट नहीं था, अभी जो इंटरेस्ट है फ्री फायर के अंदर इतना इंटरेस्ट है, जब न्यू आया था तब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब अपडेट मिलना शुरू कर दिया है फ्री फायर ने तब से इंटरेस्ट बढ़ गया है एंड पॉपुलरिटी मिल गया है। तो ऐसे ही दोस्तों फौजी गेम के अंदर भी जल्दी जल्दी अपडेट मिलना चाहिए तभी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा गेमिंग यानी कि जो गेमिंग पसंद है। फौजी गेम के अंदर जल्दी जल्दी न्यू एंड अच्छे अपडेट मिल जाए एंड अपडेट मिलेगा तभी इंटरेस्ट भी पॉपुलरिटी भी मिल जाएगी। तो इंडिया की जो बेस्ट गेम है दोस्तों फौजी बेस्ट गेम इंडिया पे होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँ, और खास बात है 20% जितना भी फौजी गेम के अंदर जितना भी कमाई होगी यानी कि अर्निंग होगी उसमें से 20% जो कि इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाएगी। और दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।